वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज भी ऑफ कोर्स एक जबरदस्त डिश बन रही है और कौन बना रहे हैं वो है शेफ मायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं चिकन की टिक्का बोटी जो कि पैन में बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम सर्व करेंगे येलो राइस के साथ। अच्छा, चिकन टिक्का हमेशा जो है ना वो तो ग्रिल हो रहा होता है, हम उसको आग पे यूजुअली वो ग्रिल होता है, लेकिन घर में अक्सर खवातीन होती हैं, कोयला कौन जलाए, मेल नहीं होते तो मसला होता है, तो उनकी आसानी के लिए इसमें बना के बस कोयले का जो है स्टीम दे देंगे। अच्छा, ताकि वो सेम फ्लेवर, टेस्ट वही आएगा, सेम फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, वो यूं होता है कि जिनके फ्लैट से हैं या जिनके घर में नहीं, हम लोग नहीं कर सकते आज, मतलब पड़ोस वालों को नहीं पसंद, हम नहीं जला सकते ना, क्या करेंगे। लेट्स सी, हम लोग अपनी डिश के, डिश का नाम है चिकन टिक्का बोटी विद येलो राइस। चिकन टिक्का बोटी विद येलो राइस, और येलो राइस पहले से इन्होंने बना के लेकर आई है। लेट्स सी, हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। चिकन टिक्का बोटी के लिए आपने चिकन ले लेनी है, 300 ग्राम हमारे पास चिकन है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, ओके। 1.5 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, ठीक है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर डाला है, ओके। 1 टीस्पून हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला डाला है, और 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाला है, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, और 3-4 टेबलस्पून दही के साथ हमने इसको मिक्स करके सिर्फ मैरिनेट किया। अच्छा, मैंने नोट किया है, वो तमाम डेली यूज में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये उसी का ही है सारा, उसी से बना है। यानी कि आपने इसमें हल्दी, पिसे हुए मिर्चें, सूखा धनिया, दही, और वो क्या नाम है इसके, नमक, और क्या चीज थी, रेड चिली पाउडर, और वही सब तमाम कुछ वही है, बस एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर थोड़ा सा कलर एनहांस करने के लिए। यूजुअली हम फूड कलर डालते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि फूड कलर इज नॉट हेल्दी, ठीक है। हम जर्दे का रंग तो डाल सकते हैं, लेकिन यूजुअली कुछ ब्रांड्स के ऐसे फूड कलर्स भी आ रहे हैं जो कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं 1 टीस्पून, इससे कलर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। और जर्दे का रंग नहीं भी है तो कश्मीरी लाल मिर्च तो सबके पास होती है। ओहो, जबरदस्त कलर भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। चले जी, इसमें दही में डाल के कितनी देर से छोड़ना होता है? इसको तकरीबन अगर चिकन है तो आप 8 घंटे तो मैरिनेट करेंगे, और ये इसीलिए करके लेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा जी, इसके अंदर करी पत्ता, करी पत्ता आ जाएगा, करी पत्ते से एक अच्छा अरोमा आएगा, ऑयल होगा थोड़ा सा इसमें, मैरिनेशन में भी हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, गुड, लेकिन ये थोड़ा सा हम कड़ी पत्ते की वजह से और थोड़ा सा 1 टीस्पून डालेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लीजिए जी। अच्छा, इन्होंने मतलब वो अरोमा के लिए इन्होंने एक कोयला भी लेकर आई है, जबरदस्त, गुड। 1 टीस्पून ऑयल के साथ हमने, ठीक है, 4-5 कड़ी पत्ते डाल देने, ओके। और जैसे ही कड़ी पत्ते थोड़े से भून जाएंगे तो हम, ठीक है, ये चिकन डाल देंगे। कड़ी पत्ते का वैसे ही बड़े फायदे हैं, और आप अपने घर में, मैं तो कहती हूँ पौधा लगा लीजिएगा और इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, ये देखिए बहुत इजी है, गुड, बेहतरीन भाई, माहिरा, ओहो, वाह वाह वाह, जबरदस्त। कड़ी पत्ता वैसे भी अगर आप किसी भी चीज में डाल दो ना, खुशबू आती है, खुशबू भी आती है और उसका फ्लेवर वो एनहांस कर देता है। जी नाजी, माहिरा ने डिश बनाई है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, जो लोग जरा सा आपके हेल्थ कॉन्शियस हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, आपने सिर्फ ये बनाई और सिर्फ आपने इसको सैलेड के साथ खा सकते हैं। आप हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से आप राइस नहीं लेना चाह रहे, रोटी नहीं लेना चाह रहे, पराठा नहीं लेना चाह रहे, आप ऐसी ही बोटियां खा लें तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपका हेल्दी और डाइट। इसको मैक्सिमम कितनी देर इसको हम रखेंगे? तकरीबन 5 मिनट में ही। तो हम इसको उस पे रख दें, इसके ऊपर ढक के रख दें थोड़ी देर के? नहीं नहीं, नहीं, ऐसे ही भून के पकेगा, ये 5 मिनट में पक जाएगा। और ग्लैम गैस के स्टोव बड़े जबरदस्त, तमाम होम अप्लायंसेस इनके दी बेस्ट है। अभी सर्दियां भी आने वाली हैं, गीजर और इनके ऊपर तमाम जो है इनके स्टोव है, माइक्रोवेव ओवन है, तो जिंदगी सहल कीजिए और होम अप्लायंसेस ग्लैम गैस यूज कीजिए, और इनके जो स्टोव है वो खास तौर पे बर्तनों को काला नहीं करते, और इसकी फ्लेम लग रही बड़ी कम सी है लेकिन इसमें हिद्दत बहुत है, यानी कि क्विकली आपका जो खाना भी बन जाता है, तो इससे अच्छा गैस की भी बचत हो जाएगी, तो यूज कीजिए ग्लैम गैस के स्टोव, और इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मायरा, कि ऑफ कोर्स मैंने देखा चाइनीज़ लोगों की डिशेस जो बनती हैं
वो ब्रेड का रोटी का नहीं इस्तेमाल करते और वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे खाने बनाते हैं, वो डायरेक्ट पकते हैं और वो खाते हैं। ज्यादातर वो लोग नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, नूडल्स तो है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें, वो ऐसी चीजें उनकी होती हैं जिसमें सूपी और सी फूड टाइप ज्यादा होता है, स्पून से, हाँ स्पून से लेके वो लोग खा लेते हैं। ओके, अच्छा उसके सी फूड तो वैसे बड़े बेनिफिट होते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आपने बनाने कोई अच्छी अच्छी फिश वगैरह कुछ तरीका बताएगा, हम तो हमेशा बस फ्राई करते हैं या मतलब बना लेते हैं, अपने अपने तरीका कार होता है, कुछ अच्छा सा यूनिक सा जिसमें दिल करे फिश को खाने में। लोहरी फिश बहुत है, लोहरी की बनती है। कौन सी? लोहरी फिश। लोहरी है ना, कराची वाले लोग लोहरी फिश खाएं। चलो अच्छा की बनती है, नहीं उसकी जो जो मैरिनेशन है वो बहुत सिंपल है। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर जब आप उसको फ्राई करते हैं उसको जो कोटिंग करते हैं वो असल चीज़ है। उसमें जो कुटे हुए मसालों का जो एक अरोमा है ना वो हमारा मुल्क है और हमारे तमाम शहरों के देश के खाने सभी बड़े मज़ेदार होते हैं और सबको खांसी लगा दो हमें थोड़ा इसको मलकी आंच में नहीं पकाएंगे, ऐसे ही घुमाते रहेंगे। दीदी आप मतलब ये बोनलेस चिकन है ना, ओके बिल्कुल भी मतलब छोड़ना नहीं है। नहीं आप बात है भाई, छोड़ना नहीं है उसको, इसको भाई ये बड़ी अगर छोड़ दिया तो ये या तो लग जाएगी या ये टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर ये टूट गई तो फिर बड़ी हल्की आंच कर देना। यस अच्छा जी नाज़िम, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर बात करते हैं, या लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ मायरा के साथ।